हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। कश्मीर घाटी में श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने 1971 के युद्ध में विभिन्न अभियानों के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जानते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, सो लेट अस स्टार्ट। विजय दिवस 16 सितंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए मनाया जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान के हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा इतिहास यह है कि 1947 में संयुक्त राजशाही द्वारा भारत की स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तभी से पाकिस्तान में राजनैतिक तनाव शुरू हो गए, जो समय के साथ और बढ़ते चले गए। उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव इतने बढ़ गए कि युद्ध का कारण बन गए। इन बीच कई आंदोलनों ने भी इस युद्ध को हवा देने का काम किया, जैसे 1950 का भाषा आंदोलन, 1964 में पूर्व पाकिस्तान में बड़े दंगे और अंत में 1969 में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। कई नियम जबरदस्ती पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर थोपे जा रहे थे, जिसके कारण विरोध बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं विरोध को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने कई अत्याचार और नरसंहार पूर्वी पाकिस्तान पर करना शुरू कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी भी ज़्यादा थी, जिस कारण इन दोनों की संस्कृति के एकीकरण में काफ़ी बाधा हो रही थी। और जब विरोध को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर नरसंहार किया, जिसमें विशेष तौर पर निशाना बने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, शरण लेने के लिए भारत के पूर्वी भाग में आने लगे। तब इन शरणार्थियों की सहायता के लिए पूर्वी भारत की सीमाओं को भारत सरकार द्वारा खोल दिया गया। इन्हें शरण देने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा सरकारों के द्वारा बड़े स्तरों पर शरणार्थी कैंप लगाए गए। इन शरणार्थियों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन कारणों से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण देने से कहीं बेहतर है कि पाकिस्तान के विरोध युद्ध कर संघर्ष को ख़त्म किया जाए। फिर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर युद्ध के लिए तैयार किया गया। इन दौरान पूर्वी पाकिस्तान में काफ़ी दंगे होने लगे और स्थितियां काफ़ी बिगड़ गई, जिससे युद्ध की स्थिति बन गई, जिससे 1971 का युद्ध हुआ। ये युद्ध मात्र 13 दिन चला, जो इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के तौर पे जाना जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई और पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की 13,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक ज़मीन जब्त कर ली थी। इस युद्ध में भारत की जीत के साथ पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जो 2 जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान शिखर शिमला था। इस आयोजन में बांग्लादेश को बीमा प्रदान किया गया और जब्त की गई जमीन वापस कर दी गई। इसी जीत के उपलक्ष में और स्वर्णिम विजय मशाल को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर में युद्ध स्मारक बादामी बाग छावनी में एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस विजय के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन विजय दिवस के बारे में।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट.